हेलो क्लास, मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? हाँ यस सर। ओके। इन लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन एंड आई होप आप सबने क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे, तो हम फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, सो एनी वन न्यू हियर? समक्ष कल नहीं थे आप क्लास में? हाँ, यस सर। सर आज कुछ नया नया स्टार्ट हो गया या फिर सर कल? ठीक नहीं, समस्या भी वही है। रिलेशन फंक्शंस थोड़ा सा टफ भी है, लेंदी भी है, तो अभी तो हम ओके सर। इग्नोर करेंगे। ताहा सलीम, दिस इज योर फर्स्ट क्लास? यस सर। ताहा, दिस इज योर फर्स्ट क्लास? यस सर। सर आपने कोई नया टॉपिक स्टार्ट कराया था? मैंने डोमेन करवाया है। सर आपने डोमेन मेरे को तो नहीं कराया था। कुछ अब आप देखिए वो सर कितना। मैंने इक्वल फंक्शन तक लेक्चर देखा था आपका हाँ, सर। उसके बाद में हमने डोमेन भी किया था, तो कोशिश करते हैं आज फिर। ठीक है, ओके सर कुछ नहीं होता सर। मैं क्वेश्चन वगैरह लिख लूंगा सर, उसके बाद एक वो लेक्चर जब देख लूंगा देन आई मैनेज सर। हाँ जी, समक्ष मैं मैनेज कर लूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है थोड़ी सी ना, मुझे वॉइस कम आ रही थी। सर। आई एम सेइंग आई विल मैनेज टुडेस क्लास सर। आई विल जस्ट टेक डाउन द नोट्स। ठीक है, मुझे ना बच्चे थोड़ी सी सबकी वॉइस कम आ रही है, तो प्लीज़ थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। और कुछ प्रॉब्लम आती है देन यूज़ द चैट बॉक्स। ठीक है, हाँ रिशाद, समझ में आएगा आपको, बट ऐसे केसेस में प्लीज़ सी द वीडियो लेक्चर्स। कुछ मिस हो जाता है, प्लीज़ सी द वीडियो लेक्चर्स, उसके बाद किया। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, वी हैव स्टार्टेड यस्टरडे डोमेन डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस। डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस, डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस। सो डोमेन हमने क्या कहा था कि डोमेन इज अ इनपुट, फंक्शन का जो इनपुट होगा दैट इज द डोमेन। एंड कंडीशन क्या थी? फॉर एग्जाम्पल, ये आपको समझाया था दैट वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, तो मैंने कहा था कि डोमेन इज नथिंग, इट इज जस्ट अ इनपुट फॉर द फंक्शन। आप इसमें क्या वैल्यूज पुट कर रहे हैं? आप क्या वैल्यूज पुट कर रहे हैं कि आपका जो आंसर आएगा वो रियल आएगा। ठीक है, आप क्या रियल वैल्यूज पुट कर रहे हैं सो दैट आपका आंसर भी रियल आएगा, उसको हम डोमेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक दिस वन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, देन इन एक्स यू कैन पुट एनी वैल्यू। ठीक है, इन एक्स यू कैन पुट एनी वैल्यू, सो द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज कंप्लीट आर। आर इज रियल, डोमेन इज आर। समक्ष क्लियर हुआ इतना? यस सर। हाँ क्लियर हुआ, डोमेन इज आर। सर ठीक है, ये हमारे पास सर आप फंक्शन एक बार ये वापस समझा दो जी। सर, एक बार प्लीज वापस एक्सप्लेन कर दो। सो डोमेन मैंने क्या कहा, डोमेन क्या होता है? आप जो भी रियल वैल्यूज पुट कर रहे हैं जिसके लिए फंक्शन की वैल्यूज भी रियल आ रही हैं, दैट इज द डोमेन। ठीक है, डोमेन क्या होगा, हम जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं और हमारे जो आंसर भी रियल आ रहे हैं, दैट इज डोमेन। सो फॉर एग्जाम्पल, इन दिस फंक्शन हम क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं, हमारा आंसर रियल आएगा। कोई भी रियल नंबर आप पुट कर दीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, हर रियल नंबर के लिए आपका जो आंसर होगा दैट इज रियल, इसीलिए इसका डोमेन आर हो जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमारा आंसर रियल एक्सक्यूज होगा। मी सर, जी जानवी, सर ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था इसमें हम एक्सेप्ट 0 नहीं बोलेंगे? जी, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया ना जानवी, भाई मैंने लिखा था, बट मैं सोचा और बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर इस पाएंगे। ठीक है, सो ओके सर। डोमेन इज ऑफ डोमेन इज इक्वल टू आर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जानवी, नाउ सिमिलरली वी हैव दिस एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, सो फॉर दिस केस डोमेन इज अगेन आर। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू उसमें, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, आपका आंसर हमेशा रियल आएगा। ठीक, एंड रिमेंबर वन थिंग, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इन डिनोमिनेटर
आपका कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. सो एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स है, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ इज, देखिए हम कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट जीरो, हम जीरो पुट नहीं कर सकते. जी शाकिर बिल्कुल ठीक है, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, ठीक है. सो द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, ठीक है. तो रशाद एंड समक्ष, समझ में आया? सर कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? यस सर. देखिए बच्चे डोमेन क्या होता है, तो प्रॉब्लम ये कि अगर कल का पूरा लेक्चर रशाद मिस किया है ना तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है. सो समक्ष सेम थिंग, सो एफ एक्स हमारे पास एक्स है समक्ष, सो इन प्लेस ऑफ जी. सर मुझे ये पूछना था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वीडियोस कब तक आ जाएंगे यूट्यूब पे? बच्चे वो वीडियोस तो होंगे, वो तो हमारा फर्स्ट चैप्टर था. सर वो आए नहीं लेकिन उसके वीडियोस मैंने सर्च किया था, नहीं थे. हाँ निष्कर सर से कांटेक्ट कीजिएगा, बट होनी चाहिए वो क्योंकि वो हमारा फर्स्ट चैप्टर है तो उसके होंगे, ठीक है. एक बार निष्कर सर के नंबर है आपके पास? यस सर. उनसे एक बार बात कीजिएगा, ठीक है. वी विल सेंड यू द लिंक. ओके सर. सो डोमेन फॉर दिस केस वाज आर माइनस जीरो. मैंने ये कहा था कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ इज एनी फंक्शन. डोमेन क्या होता है, हम जो वैल्यूज पुट करते हैं इन प्लेस ऑफ एक्स, हम जो वैल्यूज पुट करते हैं जिसके लिए फंक्शन रियल आता है हमेशा, उसको हम डोमेन कहते हैं, ठीक है. जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो यहाँ क्या पुट कर सकते हैं आप, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे आंसर इज रियल, ठीक. सो डोमेन यहाँ पे हो गया आपका आर. नेक्स्ट हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स, सो डोमेन यहाँ क्या हो जाएगा, डोमेन इज इक्वल टू अगेन आर, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं. अब अगर हम एग्जांपल ये लेते हैं जी रशाद, इंस्टेड ऑफ 2x वी कुड आल्सो राइट 3x और समथिंग एल्स. रशाद वो तो क्वेश्चन है ना, अगर क्वेश्चन है 3x देन डोमेन इज, डोमेन इज आर इन प्लेस ऑफ x, आप कोई भी रियल नंबर पुट कर दीजिए, सो डोमेन इज आल्सो आर. सर डोमेन r एक्सेप्ट 3 नहीं होगा? हां जी ऐसे डोमेन जो होगा 3x का वो r एक्सेप्ट 3 होगा ना? एक्सेप्ट 3 क्यों होगा? अच्छा एक्सेप्ट 3 है, चलिए हम x इज़ इक्वल टू 3 पुट करते हैं आज यहाँ, ठीक है. हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा f3, हमने जब 3 पुट किया तो 3 इंटू 3 आंसर कितना आया, 9. इज अ रियल नंबर जी आसिया, 9 इज अ रियल नंबर? यस सर. इट्स मीन हम 3 पुट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे. स्टार्टिंग से ही प्लीज क्लियर करते हुए चलिए डोमेन को, क्योंकि आगे क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा टफ हो रहे हैं. सो डोमेन का मतलब x की वो वैल्यूज जिसको अगर हम पुट करते हैं एफ एक्स हमारा रियल आता है, वो डोमेन होता है, ठीक है. सर डोमेन मस्ट बी रियल, सर इट मस्ट बी रियल नंबर. हां व्हाट, सर इट मस्ट बी अ रियल नंबर, इट मस्ट बी अ रियल नंबर. हम x की वो रियल वैल्यूज, डोमेन क्या होता है, x की वो रियल वैल्यूज जिसके लिए एफ एक्स रियल आ रहा है, दैट इज द डोमेन. जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है. सॉरी सॉरी बच्चों, ठीक है. तो x की भी हम रियल वैल्यूज पुट करेंगे, fx भी हमारा रियल आना चाहिए. तो अब fx रियल कब नहीं आएगा, जब डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा. तो फर्स्ट कंडीशन अभी याद रखिए कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए. सो इन दिस क्वेश्चन आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, fx आपका रियल आएगा एक्सेप्ट जीरो, x जीरो नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है. सर कैन वी पुट नेगेटिव आल्सो? बिल्कुल है ना, आप नेगेटिव नंबर पुट कर दीजिए. एफ माइनस टू पुट किया कितना आ गया, 1 बाय माइनस 2. आप रशाद 1 बाय माइनस 2 रियल है या नहीं है? सो यस इट्स अ रियल नंबर, इसका मतलब नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं. सो डोमेन जो आ गया हमारा दैट इज आर एक्सेप्ट जीरो. नाउ वी विल टेक सेकंड क्वेश्चन. सेकंड इज एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस 1. नाउ टेल मी द डोमेन ऑफ दिस. और जब तक बच्चे डोमेन नहीं आ रहा प्लीज आगे मूव नहीं करना है, आगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, मुझे बता दीजिए जिसको डोमेन नहीं आ रहा होगी समझ में.
What is the domain of this? अनुभव बिल्कुल ठीक है. हाँ चैट बॉक्स पे रिप्लाई करना ठीक है ना. बिल्कुल ठीक है. जानवी का रिप्लाई नहीं हो रहा. जानवी आप ट्राई कीजिएगा. शाकिर बिल्कुल ठीक है. खसपर ठीक है. यश बिल्कुल ठीक है आंसर. मानस ठीक है. आसिया ठीक है. युवराज ठीक है. जानवी बिल्कुल ठीक है. सही मेरे को समझ नहीं आया क्वेश्चन. समझ में नहीं आया. समझ प्रॉब्लम ये है कि वो रिलेशन फंक्शन आपका पूरा मिस हो चुका है. ठीक है. आई थिंक आपने शायद एक क्लास की होगी. सर मैं लेक्चर देख के सर वापसी वाला लेक्चर देख लूंगा सर. देन आई अंडरस्टैंड. रिदम बिगड़ गया ना. समझ वहाँ प्रॉब्लम आ गई. अच्छा हाँ बच्चे सॉरी मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि खसपल क्या ना उसको कुछ हैंग हो रहा है उसका सिस्टम. वहाँ नेटवर्क स्लो है. हाँ खसपल आप ठीक है. खसपल आप ठीक आ रहे हैं. खसपल चैट बॉक्स पे रिप्लाई कर दीजिए मुझे. कसबल आप चेक कीजिए. मैंने वीडियो ऑफ कर दिया. ठीक ठीक है ठीक है. सो एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाय एक्स माइनस वन. या डिनोमिनेटर में हमारे पास जीरो नहीं आना चाहिए. ठीक है. डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो. तो समक्ष हम कैसे करेंगे. हम वो वैल्यू सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए जीरो आ रहा है उसको इग्नोर कर देंगे. तो डोमेन क्या हो जाएगा. ऑल द रियल नंबर्स डोमेन ऑफ एफ. ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट वन. ठीक है. किस बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है अभी. क्लियर है सर. क्लियर है. ओके मैनेजमेंट. अच्छा मैनेजमेंट मैंने देख लिया. बायो कितनी देर ज्वाइन की. थोड़ी देर उसके बाद मेरे को मालूम पड़ा कि यहाँ पे तो जेरी सर लिखा है. अच्छा. तो फिर मैं आ गया. अच्छा 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 ठीक है. चलिए ठीक है. और किसी बच्चे को डाउट है. रशाद क्लियर हुआ. समक्ष क्लियर हुआ. यस सर मुझे क्लियर हो गया. हां सर ठीक है. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वन. सर अगर 2x माइनस 1 हो तो डोमेन ऑल द वैल्यूज ऑफ r एक्सेप्ट 2 एंड 1 होगा. हां बच्चे क्या कह रहे हैं. 1/2x माइनस 1 फंक्शन fx इज 1/2x माइनस 1. 1/2x माइनस 1 दिस वन. यस सर. ओके नाउ अब सब सॉल्व करेंगे फिर. ठीक है. टेल मी द आंसर ऑफ दिस. हाँ बिल्कुल ठीक है खसपल. नहीं शाकिर नॉट करेक्ट. या तो इनकम्प्लीट है अभी आपका आंसर. शाकिर आंसर अभी इनकम्प्लीट है. टेल मी द कंप्लीट आंसर. नहीं आसिया दिस इज नॉट करेक्ट. नहीं रशाद इनकरेक्ट. यश बिल्कुल ठीक है आंसर. नहीं मानस. नहीं मानस अगेन चेक द आंसर. जानवी बिल्कुल ठीक है. अनुभव हाँ एक्सेप्ट 1/2 है ना. देखिए आपको हमेशा क्या करना है कि आपके डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. तो आप क्या करेंगे. डिनोमिनेटर को जीरो से इक्वेट कर देंगे. फिर जो भी आपके पॉइंट्स आते हैं जैसे यहाँ रहे 1/2 वो इग्नोर हो जाएगा. तो डोमेन क्या आ जाएगा. डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 1/2. 1/2 नहीं होना चाहिए क्योंकि 1/2 आ गया तो ये जीरो हो जाएगा. देखिए तो जीरो नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में. इसलिए डोमेन इज आर माइनस 1/2. ठीक है. आसिया क्लियर हुआ. सर यस सर. ओके हाँ खसपल कुछ कह रहे हैं. खसपल आवाज नहीं आ रही है ना. खसपल हाँ चैट बॉक्स यूज कीजिए. आपकी आवाज में आ नहीं रही मुझे. ओके और कौन थे. रशाद एंड समक्ष क्लियर हुआ बच्चे. यस सर. समक्ष क्लियर हुआ.
यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक फोर्थ होगा अफेक्ट डोमेन का टॉपिकल शुरू हुआ था क्लास में जी समक्ष थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में करवाया था बट अभी स्टार्ट ही हुआ है ओके सर अफेक्ट इज इक्वल टू x minus 1 and x minus 2 Now tell me the answer of this. Kaspel, kya question is this was a natural function. This x should be 1. Kya question tha? 2x minus 1. Bilkul theek hai Anubhav? Kaspel, bilkul theek hai. Aapka jo answer hai, wo last ka, sahi keh raha hai. Theek hai Kaspel. Wo natural hota to Kaspel 1 hi aata. Theek. Shakir, bilkul theek hai. मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको सॉरी बच्चे कुछ इशू हो गया ओके वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाय एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू आसिया आंसर क्या होगा इसका आसिया व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस आसिया वॉइस आ रही है ऑल एक्सेप्ट वन एंड टू बिल्कुल ठीक है और समक्ष जानवी बिल्कुल ठीक है मानस ठीक है समक्ष व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस सर एक सेकंड ओके हाँ सॉरी ताहा मैं आपसे बात कर रहा था यू आर फ्रॉम विच स्कूल यश बिल्कुल ठीक है आंसर कहा किस स्कूल से हैं आप कहा मुझे ना वॉइस नहीं आएगी थोड़ा सा आई थिंक कहीं इशू हो रहा है माइक में सो मुझे प्लीज चैट बॉक्स पे रिप्लाई करेंगे था ठीक है मैंने आपको टेक्स्ट किया प्लीज रिप्लाई मी प्लीज नहीं नहीं कस्पल नहीं कस्पल दिस नॉट द करेक्ट आंसर अच्छा माइनस इनफिनिटी टू वन यूनियन वन टू टू यूनियन टू टू बिल्कुल ठीक है कस्पल और क्या भी रशद कुछ भी दे देगा क्वेश्चन वो कुछ भी दे सकते हैं ठीक है
और सब कुछ सो फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ. इन दिस केस डोमेन इज व्हाट? डोमेन इज डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. तो डिनोमिनेटर किस वैल्यू के लिए जीरो हो रहे? वन एंड टू के लिए. सो एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट वन. बच्चे किसी को डाउट है मुझे प्लीज बता दीजिए. समक्ष हो गया कंप्लीट? यस सर. ओके इन द नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ. अफिक्स इज इक्वल टू 1 by x minus 1, x minus 2, x minus 3. Tell me the answer of this. Rishad, abhi questions kijiye, theek hai? Abhi dekhiye kitni variety ke questions aa rahe hain. Question kuch bhi ho sakte hain. Phir jo doubts hain wo discuss kariyega. आसिया बिल्कुल ठीक है आंसर. अनुभव बिल्कुल ठीक है. शाकिर ठीक है आंसर. मानस बिल्कुल ठीक है. यश बिल्कुल ठीक है. जानवी ठीक है आंसर. सो आई थिंक सबका हो गया. समझ का आंसर रह गया अभी. खसपल बिल्कुल ठीक है. सर 1, 2, 3 आंसर इज सर 1, 2 and 3 मैं लिख के भेज. एक्सेप्ट 1, 2 है ना. डोमेन इज आर आप भी ट्राई कीजिए. ठीक है. आई नो दिस इज योर फर्स्ट क्लास तो समझ में नहीं आ रहा होगा बट फिर भी कोशिश कीजिए. ठीक है. मे बी कुछ समझ में आया आपको. सो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सबको समझ में आ गए. देन टेल मी दिस आई थिंक 6th क्वेश्चन है ये. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3. और सबके आंसर्स मुझे बच्चे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए.
जी युवराज बिल्कुल ठीक है आंसर। सो द सेकंड इज सॉरी सिक्स वन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस थ्री। नहीं कसपल नहीं नहीं इनइक्वालिटी क्वेश्चन रूट्स में होंगे ठीक है ये इनइक्वालिटी से सॉल्व नहीं होगा रूट्स के क्वेश्चन इनइक्वालिटी से सॉल्व होंगे। और सबके आंसर्स आसिया व्हाट्स आंसर सो ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट 1 एंड 3 सिर्फ 1 एंड 3 ओके रशाद का रे एक्सेप्ट 1 नहीं रशाद करेक्ट नहीं है मानस ओके मानस बिल्कुल ठीक है आंसर। और मानस फाइन व्हाट्स आंसर मानस फाइन व्हाट इज आंसर मानस फाइन बिल्कुल ठीक है जानवी युवराज व्हाट्स आंसर मैंने सेंड किया था मनस्विन इस पे तो नहीं है रिप्लाई मी ऑन दिस युवराज व्हाट्स आंसर हां मनस्विन बिल्कुल ठीक है समक्ष व्हाट्स आंसर तो मैंने भेज दिया था समक्ष दोबारा भेजेंगे मुझे मिल नहीं रहा उसमें बिल्कुल ठीक है मनस्विन डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए युवराज बिल्कुल ठीक है समक्ष प्लीज सेंड द आंसर यस सर सॉरी चलिए मैं करवाता हूँ उसको बच्चे एक बात याद रखिए न्यूमरेटर कैन बी जीरो न्यूमरेटर जीरो हो सकते हैं सर डिनोमिनेटर सर डिनोमिनेटर में जीरो से लेकर थ्री तक नहीं होना चाहिए ना जी समक्ष डिनोमिनेटर में जीरो से लेकर थ्री तक नंबर नहीं होने चाहिए लाइक जीरो वन टू थ्री डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए ठीक है तो इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगा डोमेन इज आर एक्सेप्ट थ्री सर वन टू हाँ जी सर जीरो वन सर माइनस में आएगा वो तो क्या माइनस में आएगा सर अगर हम जीरो वन और टू जीरो वन और टू करेंगे तो माइनस में आएगा ना माइनस हाँ तो नेगेटिव तो आ सकते हैं कोई इशू नहीं है ओके आप कोई भी आप यहाँ कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट थ्री नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर आपने यहाँ थ्री पुट कर दिया देखिए क्या आएगा थ्री माइनस वन बाय थ्री माइनस थ्री तो डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है वो नहीं आना चाहिए ठीक है और क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं तो इसको एक बार ग्रेटर दैन और इक्वल टू और दूसरे में लेस दैन इक्वल टू करके आ रहे हैं कैसे मैं उसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा अच्छा मनस्विन एक मिनट सर इसी को सेट्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मनस्विन या तो ऐसे कर सकते हैं डिफरेंट मेथड्स हैं आपके पास माइनस इनफिनिटी टू थ्री यूनियन थ्री टू इनफिनिटी ठीक है मनस्विन तो इन दोनों में थ्री इंक्लूड नहीं होगा सर हाँ थ्री इंक्लूड नहीं हो रहा इसलिए हमने ओपन इंटरवल लिख दिया ठीक है समझ में आया मनस्विन बच्चे एक मिनट अभी बात कर रहे हैं मनस्विन क्लियर वो यस सर ठीक है जी आसिया आपका डाउट क्या है सर मैं पूछ रही वन क्यों नहीं होगा वन तो होगा बच्चे देखिए अगर आप यहाँ वन पुट करते हैं तो वन माइनस वन बाय वन माइनस थ्री वन माइनस वन जीरो हो गया बाय माइनस टू विच इज इक्वल टू जीरो ये तो रियल नंबर है तो वन तो आप पुट कर सकते हैं सिर्फ क्या पुट नहीं कर सकते थ्री नहीं कर सकते आशय क्लियर हुआ अभी डाउट है यस सर क्लियर हो गया ठीक है बच्चे जिसको भी डाउट है प्लीज अभी मुझे बता दिएगा बाद में क्वेश्चंस बहुत टफ हो जाएंगे ओके देन ट्राई दिस क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू जी रशाद इन्फिनिटी मैंने लिखा था दैट्स द अदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द
सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में मैं दोबारा लिख दूंगा, प्लीज डू दिस क्वेश्चन, टेल मी द आंसर। कस्पल बिल्कुल ठीक आंसर। शाकिर नहीं, शाकिर करेक्ट नहीं है, चेक द आंसर। यश बिल्कुल ठीक है, जानवी बिल्कुल ठीक है, आसिया बिल्कुल ठीक है, युवराज ठीक है, मनस्विन ठीक है, शाकिर ठीक है, रशाद क्या होगा आंसर, और युवराज, युवराज अच्छा युवराज का आ गया, कौन रह गया, समक्ष, समक्ष व्हाट इज आंसर ऑफ दिस, मानस नहीं, मानस करेक्ट नहीं है, नहीं, रशाद बिल्कुल ठीक है, रशाद उल्टा लिख दिया, आर माइनस लिख क्या करिए, ठीक है, आर माइनस वन टू, माइनस करेक्ट नहीं आंसर, डिनोमिनेटर में वन टू नहीं होना चाहिए, समक्ष क्या होगा आंसर, सर एक सेकंड, सर इसका आंसर आप ही बता दो। जी समक्ष, सर आप बता दो आंसर, समक्ष क्या कह रहे हैं, अच्छा सो वी हैव दिस क्वेश्चन, प्लीज देखिए समक्ष आप भी, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, तो डिनोमिनेटर सॉल्व कर लीजिए कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच दिस डिनोमिनेटर इज जीरो, कैसे करेंगे, फैक्टराइज कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये, माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ये कितना आ जाएगा, टेक एक्स कॉमन एक्स माइनस टू, टेक माइनस वन कॉमन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, एक्स इज इक्वल टू वन एंड टू, ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब डोमेन इज, डोमेन is R except 182, clear वो, हाँ कसवल बस अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ये क्लियर हुआ, ओके समक्ष, सर एक सेकंड, कोई डाउट है सर, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, हाँ जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, स्प्लिटिंग द मिडिल, ओके सर, ओके सर, हाँ सर अगर इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर तो सीधे सदा अभी रेम कमेंट में अभी रेम कमेंट डिनोमिनेटर फिर भी जीरो नहीं आएगा, उसमें भी कंडीशन रही ये रहेगी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं आएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक क्या एडिशनल पार्ट आ जाता है कि अंडर रूट में नेगेटिव पार्ट को इंक्लूड कर लेता है, ठीक है, किस पर डिनोमिनेटर जीरो वहां भी इशू क्रिएट करेगा, समझ जब हो जाए तो प्लीज बता दिएगा, मैं आप ही का वेट कर रहा हूँ, डन सर, डन डन, ओके।
नेक्स्ट 8th क्वेश्चन fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बाय x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लीज ट्राई कीजिए बिल्कुल ठीक है कस्पर रशाद ठीक है रशाद आर माइनस वन फोर है ना अनुभव ठीक है मानस ठीक है यश ठीक है नहीं आसिया दिस इज नॉट करेक्ट नहीं समक्ष व्हाट्स आंसर सर एक सेकंड न्यूमेरिक क्वेश्चन हैज अनरियल रूट्स आसिया ठीक है युवराज ठीक है हाँ बट यश एक्स की कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये रियल नहीं है न्यूमरेटर आप जो कह रहे हैं ना यश ओके यश पॉइंट बहुत अच्छा है पॉइंट अच्छा है बट अनरियल रूट्स का मतलब है यहाँ जीरो नहीं आ सकता सो द आंसर इज 1 एंड 4 हाँ एक्सेप्ट 1 एंड 4 है ना गुड सो मच यस सर गुड ठीक है यश आपके अनरियल रूट्स आने का मतलब है कि न्यूमरेटर में जीरो नहीं आना चाहिए ओके न्यूमरेटर में जीरो नहीं आएगा बट क्या कोई एक्स की ऐसी वैल्यू है जो हम अगर न्यूमरेटर में पुट करें और हमारा आंसर आप यहाँ कोई भी रियल वैल्यू पुट कीजिए यू विल अगेन यू विल ऑलवेज गेट अ रियल आंसर यश क्लियर हुआ यस सर आप जो कह रहे हैं कि अनरियल रूट्स होंगे इसका मतलब ये जीरो नहीं आएगा कभी ठीक है उससे तो कोई इशू नहीं है ठीक है सो फॉर दिस क्वेश्चन मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखी थी उसके बाद मुझे लगा था आप सब लिख लेंगे सो प्लीज नोट डाउन दिस स्टेटमेंट एफ एक्स अज्यूम आप जो एग्जाम में आंसर लिखेंगे लाइक दिस एफ एक्स अज्यूम रियल वैल्यूज fx assume real values for all x except for all those values of x for which x square minus 5x plus 4 is equal to 0 that is x is equal to 1 4 so ye statement likhni hai exam mein that fx assume real values for all x except for all those values of x for which jiske liye 0 aa raha hai wo nahi hona chahiye iska matlab hai isko so domain jo aayega function ka that is equal to r minus
इसको जो सेट्स की फॉर्म में कह रहे थे हम ऐसे कह सकते हैं माइनस इनफिनिटी टू वन यूनियन वन टू फोर यूनियन फोर टू इनफिनिटी. सेट फॉर्म में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस. मनस्विन क्लियर हो? यस सर. ठीक ओके यश योर क्वेश्चन इज डिनोमिनेटर हैज अनरियल रूट्स हाउ विल वी सॉल्व दैट. अगर अनरियल रूट्स हैं यश तो बहुत अच्छे फिर तो शेवर इन्फिनिटी अभी कुछ लिख सकते हैं बट लाइक दिस जैसे मैंने लिखा है ना फोर को मैंने इंक्लूड नहीं किया है रिशद. यश अगर ऐसा है तो बहुत अच्छे इसका मतलब डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा इसका मतलब ऑल द रियल. सर अगर तीन आंसर्स कैसे आए यू और ये यू क्या डाला है आपने बीच में? ये देखिए एक आंसर ये है ना r माइनस वन टू फोर सेट के फॉर्म में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस इनफिनिटी टू वन. देखिए ये वाली है ना दिस इज माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी जी प्लस माइनस. क्वेश्चन वो हमें सेट के सेट में रिप्रेजेंट करने का बोल सकता है. एक मिनट मैं बचे वन बाय वन है ना तो समक्ष क्या कह रहे हैं आप सर? मैं कह रहे थे ये बीच में यू क्या है सर आप नंबर लाइन एक्सप्लेन कर रहे थे ना मुझे. देखिए ये तो एक आ गया आर माइनस वन टू वन एंड फोर हम कैसे लिख सकते हैं इसको सेट के फॉर्म में माइनस इनफिनिटी टू वन फिर वन को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि वन के लिए उस डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है. वन टू फोर उसके बाद फोर टू इनफिनिटी सो माइनस इनफिनिटी टू वन वन टू फोर फोर टू इनफिनिटी. प्रशांत बताइए क्या डाउट है? प्रशांत कोई प्रॉब्लम है? समय क्या था कि क्वेश्चन को हमें सेट प्रशांत समझ में नहीं आया दोबारा रिपीट करेंगे. अच्छा एग्जाम में अगर वो कहते हैं सेट फॉर्म तो लिख दिएगा नहीं गया था तो आपकी मर्जी पर. ठीक ओके सो आई थिंक सब की एक इनका बहुत अच्छा क्वेश्चन था यश का उस क्वेश्चन को ही ले लेते हैं. ठीक है बहुत वैलिड पॉइंट है यश का. सो वी विल मेक अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर क्यूरी. Suppose we have this question, fx is equal to 1 by x square plus 3x plus 5. Now tell me the answer. What's the domain of this? Yes, acha question tha, good. Kasper, bilkul theek hai. जैसे अभी तक कर रहे थे बस बिल्कुल वैसे ही करना है कोई डिफरेंस नहीं है. यश बिल्कुल ठीक है आंसर. और सब क्या आंसर्स? सर इसको तो फैक्टर नहीं हो रहा है. सर इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होगा? नेक्स्ट वन बच्चे यूज अ क्वाड्रेटिक फार्मूला जो 10th में किया था. यस क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था सर एक बार बता सकते हो सर? क्वाड्रेटिक फार्मूला में वो नेगेटिव में आ रहा है. अच्छा ये था ना x से क्वाड्रेटिक फार्मूला था d माइनस नेगेटिव में आने का मतलब क्या है? आसिया व्हाट इज मीन बाय नेगेटिव? डजंट एग्जिस्ट.
डजंट एग्जिस्ट है ना, इसका मतलब कोई ऐसी रियल वैल्यू नहीं होगी. प्लीज देखिए हम है ना, हम चेक करेंगे कि x की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये जो डिनोमिनेटर है दिस इज जीरो. सो हमने फाइंड किया दिस इज माइनस थ्री प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ नाइन माइनस फोर इंटू वन इंटू फाइव बाय दिस इज टू ए. ठीक है सो टू हमने चेक किया दिस इज नॉट रियल, ये रियल नहीं आ रहा. इसका मतलब रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डजंट एग्जिस्ट. इसका मतलब क्या है, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए डिनोमिनेटर जीरो होगा, है ना. ये जीरो नहीं हो सकता, इसके जीरो नहीं होने का मतलब डोमेन क्या आ जाएगा, व्हाट इज योर डोमेन, डोमेन ऑल द वैल्यूज टिल इनफिनिटी, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स. क्लियर हुआ सबको, क्योंकि रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए जीरो आएगा. सो डोमेन इज कंप्लीट रियल नंबर. किसी बच्चे को डाउट है इसमें? और कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो इसमें माइनस करेंगे जी, अगर ऐसा है तो कस्पल करेंगे. ठीक है सो सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ओके सो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू, वी हैव दिस क्वेश्चन. ठीक है बच्चे, फर्स्ट थिंग हमने याद रखी कि हमारे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड हमारा होता है अंडर रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आपको पता है अगर अंडर रूट में नेगेटिव आता है देन दिस इज नॉट अ रियल नंबर, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, आपने इवन ये टेंथ में भी किया था कि अगर रूट, हाँ कस्पर बिल्कुल ठीक है, कि अगर रूट में, अगर रूट में नेगेटिव आता है रूट एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है तो ऑलवेज रिमेम्बर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए एंड डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए. अनुभव ठीक है, रशाद नहीं, करेक्ट नहीं है. सो टेल मी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, टेल मी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. यश ठीक है बट थोड़ा सा चेंज होगा आंसर, यश कुछ मिस हो रहा है अभी. नहीं आसिया, नहीं नहीं नहीं, दिस नॉट करेक्ट. रशाद नहीं. ऑलवेज रिमेम्बर रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए. जानवी व्हाट्स आंसर ऑफ दिस? सर इसमें रूट टू, रूट अंडर रूट एक्स माइनस टू को जीरो से इक्वेट कर देना है ना. रिशाद मैं अभी सबको एक साथ बताऊंगा ना, अभी तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ क्या आप सबके आंसर्स क्या है. जानवी व्हाट इज आंसर? मनस्विन नहीं, नहीं. जानवी ऑल एक्सेप्ट, बिल्कुल ठीक है जानवी, दिस आंसर प्योर करेक्ट है. मानस बिल्कुल ठीक है. रिशाद नहीं. चलिए अब मैं हेल्प करता हूँ. देखिए मैंने आपसे क्या कहा, रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए. तो पहले तो हम एक लैंग्वेज लिख देंगे, एफएक्स एज्यूम, एफएक्स एज्यूम इन द डोमेन, उसको इन जनरल द डोमेन को कंसीडर करते हैं हम. हां जी युवराज सर, इनफिनिटी को कंसीडर करते हैं? नहीं 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 करते हैं, इसीलिए ओपन आता है हमेशा. तो सर आर माइनस टू हुआ ना इसका? हाँ जी सर. इसका फिर आंसर आर माइनस टू हुआ या आर माइनस इनफिनिटी कॉमा टू? नहीं युवराज मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अनुभव ये भी आपका जो कंक्लूजन है दैट इज नॉट करेक्ट. इस क्वेश्चन में देखिए एफ एक्स एज्यूम रियल वैल्यूज,
इफ एफएक्स की एफएक्स रियल वैल्यूज आएंगी अगर ये जो हमारे रूट में है दिस वन एक्स माइनस टू दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, ऐसे ही होगा ना. अगर अंडर रूट में ये जो टर्म है दिस इज पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. अगर ये पॉजिटिव है तो एफ एक्स रियली आएगा, इसका मतलब x माइनस टू शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो. तो खसपल आप जो कह रहे थे इनइक्वालिटी स्टार्टिंग में आपने कहा था, तो इनइक्वालिटी रूट के क्वेश्चंस में यूज होगा. तो बच्चे याद रखिए जब रूट्स के क्वेश्चंस होंगे तो वहां हम इनइक्वालिटी यूज करेंगे. ठीक है, ये जो फंक्शन है ये कंप्लीट रियल कब होगा, जब इसकी रूट के अंदर जो भी हमारी टर्म है, रूट के अंदर जो भी टर्म है दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो, है ना. मतलब जीरो से ग्रेट, जीरो या जीरो से ग्रेटर होनी चाहिए. इसलिए हम कह रहे हैं एफ एक्स अज्यूम रियल वैल्यूज इफ एक्स माइनस टू इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो. इसको सॉल्व करना आपको आता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू टू, तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू 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 इनफाइनाइट. सो डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ एफ जो हो जाएगा दैट इज टू टू इनफाइनाइट. अनुभव ठीक है, तो जीरो टू इनफाइनाइट तो नहीं था. देखिए हमें दो बातें याद रखनी है हमारे फंक्शन में, रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए. रूट में अगर नेगेटिव आ गया तो आपके जो फंक्शन है वो रियल नहीं है, देन इट्स अ कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. कहाँ नेगेटिव है? माइनस टू है ना. माइनस मैंने कहा लिखा है, इक्वल टू है बच्चे. ठीक है, अगर हम x की ये वैल्यू चूज करें टू टू इनफाइनाइट, तो कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, टू से इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए, आपका फंक्शन या तो जीरो आएगा ग्रेटर देन जीरो. जैसे आपने टू पुट किया, देन टू माइनस टू इज जीरो, फिर टू से इनफाइनाइट अंडर रूट थ्री माइनस टू वन आ गया. पता ही रशद क्या डाउट है. सर क्या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर वहाँ पे सिर्फ खाली माइनस टू लिखा होता तो नहीं होनी चाहिए थी तब वो. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि रूट अगर है तो हम एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं पुट करेंगे जिसके लिए रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए. हम एक्स की कोई ऐसी वैल्यू. ठीक है, और सबको क्लियर हुआ? वनस्विन क्लियर है? Yes. तो मतलब टू से लेसर कोई वैल्यू नहीं लेंगे एक्स की. जी बिल्कुल सही, टू से लेस कोई वैल्यू नहीं लेंगे फॉर दिस केस, इस क्वेश्चन में. समक्ष क्लियर हुआ? समक्ष क्लियर हो गया? सर एक सेकंड सर. तहा ओके ओके, तहा समझ में आ रहे? सर जी रशाद कहिए. सर अगर हम आंसर में सिर्फ टू ही लिखते हैं तो आंसर में टू का मतलब लिखने का मतलब है कि हम सिर्फ टू ही पुट कर सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नो सर. इसमें तो हमें डोमेन सब कुछ बताना होता है कि कौन से नंबर हम पुट कर सकते हैं. ताओ को समझ में आ रहे? ये सबके लिए नहीं हुए था. ठीक है, गुड. चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर. समक्ष हुआ सॉल्व? यस सर. ओके, देन ट्राई नेक्स्ट. एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस फोर. नाउ टेल मी द डोमेन. चैट बॉक्स पे मुझे रिप्लाई कर लीजिए. कर दिया. ओके अनुभव बिल्कुल ठीक है आंसर. यश बिल्कुल ठीक है. खसपल ठीक है आंसर. बिल्कुल ठीक है जानवी. इसको अगर हम ऐसे लिखें तो ये भी अच्छा है ना, फोर टू इनफाइनाइट. ताव बिल्कुल ठीक है. ताव गुड.
आज फर्स्ट क्लास है, आपको समझ में आ रहा है? तो अच्छा, माइनस ये क्या गया? अच्छा फोर है ना, फोर टू इन्फिनिटी, ठीक है माइनस। जानवी अब ठीक है, जानवी अब वो लिखिए जो हम ले सकते हैं ना, ऑल वैल्यू। हाँ आसिया बिल्कुल ठीक है, ठीक है जानवी, अब हम आंसर ऐसे लिखेंगे फोर टू इन्फिनिटी, वो भी करेक्ट है, बट आगे क्योंकि हमें यूनियन फाइंड करना पड़ेगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, जहां दो तीन सॉल्यूशन आएंगे वहां कंफ्यूजन होगी। सो बेटर है जो आंसर है उसको लिख के, है ना। थर्ड वन, एफ एक्स इज इक्वल टू, समक्ष हो गया था ये, यस सर। ओके नेक्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फाइव माइनस एक्स। जी एक्सक्यूज मी सर। जी जानवी सर, आपने जो अंडर रूट एक्स माइनस फोर का लिखा था उसमें आपने फोर को क्लोज इंटरवल में क्यों किया था सर? क्योंकि बच्चे फोर हम पुट कर सकते हैं इसमें, अगर आपने सपोज फोर पुट किया देन योर आंसर इज जीरो, तो न्यूमरेटर है ना, डिनोमिनेटर तो नहीं है। अच्छा ओके सर, डिनोमिनेटर में होता तो फोर इंक्लूड नहीं होता। अनुभव योर आंसर इज बिल्कुल ठीक है, कसपल ठीक है, अनुभव रॉन्ग टाइप हो गया था। हाँ मैं समझ गया था, कस्पर ठीक है। और सब यश बिल्कुल ठीक है आंसर, युवराज नहीं, नहीं युवराज, अगेन चेक द आंसर। मानस ठीक है, सर ये इन्फिनिटी का समझ नहीं आया। जी सर ये इन्फिनिटी वाला समझ नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। युवराज यहाँ तक समझ में आ गया था, सेकंड तक सर एक बार ही करवा दो प्लीज। ठीक ठीक है, ठीक है, तो पहले तो युवराज यही क्वेश्चन समझते हैं, अंडर रूट एक्स माइनस फोर, ठीक है। सो मैंने आपसे क्या कहा था, अंडर रूट में नेगेटिव नहीं होने चाहिए, मनस्विन ठीक है बिल्कुल, प्रशांत इनकरेक्ट, आसिया इनकरेक्ट, ठीक है। युवराज अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या हो सकती है, या तो जीरो से ग्रेटर हो या इक्वल हो जाए, कह सकते हैं हम? यस सर, मतलब x is greater than equal to 4, यानी x belongs to 4 to infinity, इतना ठीक है? Yes sir। उसके बाद ये हमारे पास है under root of 5 minus x, 5 minus सर, तो ये हमारी सर की वॉइस ऑडिबल नहीं है, ठीक है। युवराज हमारे पास था एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फाइव माइनस एक्स, युवराज बिल्कुल ठीक है आंसर, बट इनफाइनाइट जो है वो कभी भी क्लोज इंटरवल में नहीं होता है, राउंड ब्रैकेट, ठीक है। सो दिस इज फाइव माइनस एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो,
तो अब दोनों ऑप्शन से या तो x को वहां शिफ्ट कर दीजिए या इसको कर दीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फाइव, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इज लेस देन इक्वल टू फाइव. सो x की ये वैल्यू होनी चाहिए फाइव या उससे लेस. तो माइनस इनफाइनाइट से फाइव तक, ये ओपन ये क्लोज. क्लियर हुआ? यस सर. ओके रशाद, माइनस इनफाइनाइट कैसे? माइनस इनफाइनाइट कैसे हो रशाद? ये क्या कह रहा है इसमें? इनइक्वालिटी का कांसेप्ट आ गया ना, लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए. यस सर. तो ये माइनस इनफाइनाइट है, प्लस इनफाइनाइट है, दिस इज 5, तो माइनस इनफाइनाइट से 5 तक. ठीक है, और कोई स्टूडेंट है जिसको डाउट है इसमें? किसी स्टूडेंट को डाउट है? फोर्थ क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 माइनस एक्स, टेल मी द आंसर. अनुभव बिल्कुल ठीक आंसर. शाकिर, हाँ शाकिर ठीक है, बट सुना अलग से लिखते हैं शाकिर. कसपल ठीक है, आसिया ठीक है, रशाद मैं देख रहा हूँ, मानस ठीक है. आंसर इज दिस, माइनस इनफाइनाइट टू 8, इसको हम ऐसे लिखते हैं, उल्टा नहीं लिखना है 8 से माइनस इनफाइनाइट. ताहा नहीं, यश बिल्कुल ठीक है. ताहा अभी ना थोड़ा सा इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं तो आपका मिस हुआ है, अब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी ताहा. ठीक है, आपका जो आंसर इनकरेक्ट आया वो मैं समझ गया क्योंकि आपने वो नहीं किया था. ये माइनस इनफिनाइट है, आपने माइनस इनफिनाइट लिखा है था. फाइव किस है? अच्छा अच्छा अच्छा, था थोड़ा सा ना इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है तो बच्चे आपने किया नहीं है, सो प्लीज वेट कीजिए. ठीक है, माइनस फेन फाइव कहां से आ गया? एट था. ठीक है, माइनस फिन माइनस इनफाइनाइट से 8, दिस इज आंसर. किसी को डाउट है इसमें? ठीक ठीक ठीक. रशाद आपकी ना वॉइस मुझे नहीं आ रही है, अगर आप कुछ कह रहे हैं देन रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स. समझ में आया? समक्ष आया समझ में? मैंने अच्छा 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 ठीक है मनीष्वेन, ठीक है मनीष्वेन, इसका आंसर यही है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए. समक्ष मुझे रिप्लाई कर दीजिए चैट बॉक्स. ठीक है मनीष, समक्ष समझ में आ रहे? समक्ष रिप्लाई कर दिएगा मुझे? बच्चे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं. एफ एक्स इज इक्वल टू, बच्चे अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, 1/√(x-1). अब देखते हैं ये कौन सॉल्व करता है. एटीन को किसके एग्जाम है? रिलेशन फंक्शन जिनका आ रहा है 18 अगस्त. मेरा तो सर वो एक्चुअली टुमारो, कल है सर. बच्चे सॉरी मुझे वॉइस नहीं दी, किसका एग्जाम था? सर मेरा सर यश. अच्छा अच्छा, यश आपका सर वो कल है एक्चुअली 17. अच्छा कल है? यस सर. ओके ठीक है यश, कोशिश करते हैं. मानस बिल्कुल ठीक है, खसपल बिल्कुल ठीक है, और सबके आंसर्स? अनुभव ठीक है, रशाद ब्रैकेट यूज कीजिए, ओपन है क्लोज है?
एक्चुअली मैं लैपटॉप से कर रहा हूं, दोनों एक ही स्मॉल ब्रैकेट ही आएगा दोनों साइड। अच्छा 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 ठीक है रशाद, यश बिल्कुल ठीक है, और सबके आंसर्स, जानवी व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस, आसिया, युवराज, बिल्कुल ठीक है, युवराज भी ठीक है, ताहा बिल्कुल ठीक है, गुड था, समझ में आ रहा है आपको। बिल्कुल ठीक है आसिया, समक्ष आंसर क्या होगा? बच्चे देखिए आपके पास अंडर रूट है, बट ये अंडर रूट डिनोमिनेटर में है, तो हमारी दोनों कंडीशन आएंगी, फर्स्ट थिंग ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सेकंड जीरो भी नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ क्या लेंगे, x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, इक्वल नहीं लेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन ये है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस वन, सो इन दिस केस हम जीरो लेते हैं, हम ये कहते हैं x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बट यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर है, तो दोनों कंडीशन हमें चेक करनी होंगी कि ये पॉजिटिव भी हो और ये जीरो भी नहीं हो, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो यहां से एक्स क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन वन, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू वन टू इनफाइनाइट, प्लीज नोट कीजिए यहां वन क्लोज इंटरवल नहीं होगा, इन दिस केस वन इज नॉट क्लोज इंटरवल। ठीक है, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू, बच्चे किसी को डाउट है तो प्लीज बता दिएगा, समक्ष बता दिएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे डाउट है आपको या नहीं है, जिनका हो गया है वो प्लीज ट्राई कीजिए दिस वन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, था गुड। मानस बिल्कुल ठीक है, जानवी योर आंसर इज नॉट करेक्ट, प्लीज चेक द आंसर जानवी, यश बिल्कुल ठीक है, मानस ठीक है, आसिया नहीं, नॉट करेक्ट, अगर माइनस इनफिनिट लिख रहे हैं तो पहले माइनस इनफिनिट आना चाहिए, देन द नेक्स्ट टर्म। बिल्कुल ठीक है, अब ठीक है आसिया, युवराज बिल्कुल ठीक है, रशाद बिल्कुल ठीक है, चलिए आप देखते हैं ये जो वन माइनस एक्स है, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, है ना, इक्वल नहीं आएगा, तो या तो एक्स को वहां शिफ्ट कर दीजिए, माइनस ये इसको शिफ्ट कर दीजिए, माइनस वन हो गया, अब यहाँ नेगेटिव नहीं आना चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स इज लेस देन वन हो गया, तो माइनस इनफिनिट से वन, और ये दोनों ओपन इंटरवल, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट ट्राई करते हैं सेवेंथ, सेवेंथ इज एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर, नाउ टेल मी द आंसर, इनइक्वालिटी सबने किया हुआ है एक्सेप्ट तहा, और सब कर सकते हैं इसको, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, नहीं अनुभव, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक नहीं था, तहा आपके अकॉर्डिंग सही है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स यही आंसर दे रहे हैं जो आपका है, बट आपने इनइक्वालिटी अभी नहीं किया है तो थोड़ा सा इश्यू रहेगा। कस्पल का आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक है कस्पल आंसर,
आसिया दिस इज इनकम्प्लीट आंसर. आसिया इनइक्वालिटी किया था आपने? अनुभव बिल्कुल ठीक है. नो सर नहीं किया था. ओके तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको. अच्छा बट इनइक्वालिटी में थी शायद ये लास्ट में ज्वाइन किया था आपने. इनइक्वालिटी आपने कब कराया था? आई थिंक जस्ट इससे पहले हम कर रहे थे इनइक्वालिटी. शायद आपने इसी में ज्वाइन किया होगा फंक्शंस में. इससे सब मुझे तो याद नहीं है. मैंने नहीं किया होगा वरना मुझे पता होता फिर. अच्छा कोई इशू नहीं. और सबके आंसर्स? जानवी नहीं. जानवी आंसर इनकरेक्ट है. यश यश आंसर करेक्ट है बिल्कुल. जी ताहा आपका जो मिस हुआ है वो मैं आपको करवाऊंगा. ठीक है सॉल्व करते हैं इसको. फिर देखिए अगेन x square minus 4 जो है दिस शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. न्यूमरेटर में ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए. इसको हम कैसे सॉल्व करते थे? इनइक्वालिटी को हम इससे पहले फैक्टराइज करते थे. हमारे पास आता था दिस इज x minus 2 x plus 2 और हमारी जो कंडीशन थी वो कंडीशन ये थी कि x पॉजिटिव होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए. यहाँ कंडीशन ठीक है. नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर रहे थे. दिस इज माइनस इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट. ठीक है प्लॉट कैसे कर रहे थे? इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, दोनों को पॉइंट्स फाइंड करेंगे. तो ये आएगा माइनस टू एंड प्लस टू. इसको जब इक्वेट किया वी गेट माइनस टू, इसको जब इक्वेट किया वी गेट टू. हमने यहाँ पॉइंट प्लॉट कर दिया. टू द राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव देन नेगेटिव एंड पॉजिटिव. आई थिंक सबको याद अब आ गया होगा. हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं इनइक्वालिटी में. सो हमें क्या चाहिए? ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो. वी नीड ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो. इसका मतलब हमें पॉजिटिव पार्ट चाहिए, ये भी और ये भी. तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ द फंक्शन इज पॉजिटिव पार्ट, यानी माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू, यूनियन टू से प्लस इनफाइनाइट. कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? सर एक बार फिर से प्लीज. किसको डाउट है? बच्चे देखिए इसमें हमें क्या करना था. रूट में हमारी जो भी टर्म है दिस शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो. तो हमने क्या किया? एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो. तो इसको हमने लिख दिया एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो. तो डोमेन क्या आ गया? माइनस इनफिनिट से माइनस टू. ठीक है फिर इसको प्लॉट किया. हमें पॉजिटिव पार्टी चाहिए तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू एंड टू टू इनफाइनाइट. फिर तो ये लीनियर इनइक्वालिटी का कांसेप्ट है. एक्सक्यूज मी सर. जी युवराज सर इसमें हमने प्लॉट कैसे किया? एक्स की वैल्यू टू और माइनस टू आई उससे. हाँ ये जो पॉइंट्स आए. यस सर. जी जी पॉइंट्स जो आते हैं वो यहाँ से आते हैं. इसको हम जीरो से इक्वेट करते हैं. एक्स माइनस टू को जीरो से इक्वेट करेंगे और सर यूनियन होगा क्योंकि दोनों ही कंसीडर होंगे. जी दोनों को ही हम इंक्लूड करेंगे. गॉट इट सर. जी ठीक है तो हमें करने के पॉइंट्स है प्लॉट किया. राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. जी मनीष सर इसमें कौन सी वैल्यूज इंक्लूड होंगी इसके आंसर में? इसमें आंसर क्या होगा? यस सर. ओके सो मनीष इन दिस केस हमारा 2 एंड माइनस 2 आया था. उसको हम नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे. राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. फिर हम यहाँ देखेंगे ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है. तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव लेना है हमें आंसर. तो ये पार्ट एंड दिस पार्ट ये हम इंक्लूड करेंगे. तो डोमेन क्या आ गया? माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2, यूनियन 2 से प्लस इनफाइनाइट. क्लियर हुआ मनीष? सो जी रशाद.
सर फोर को उधर तो नहीं लेके गए ग्रेटर देन इक्वल टू के साइड में। रिशाद क्या कह रहे हैं सर फोर को साइड मतलब उधर को नहीं ले गए इक्वल टू दूसरे साइड। आप क्या कह रहे हैं फोर को हम उधर ले जाएं सर? नहीं ले सकते क्या? नहीं बिल्कुल नहीं ले आ सकते रशाद। ये इनइक्वालिटी में हम कर चुके हैं और इनइक्वालिटी में हमने ऐसे क्वेश्चंस बहुत किए हैं, इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं करते। दिस इज नॉट द राइट मेथड। अगर आपने शिफ्ट कर दिया आप यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। आप क्या करेंगे फिर? है ना, ऐसे नहीं करना है। तो इसको हम नंबर लाइन से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है सर, मतलब जहाँ पे भी स्क्वायर होगा वो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो जाएगा। जहाँ भी स्क्वायर होगा वहाँ तो आपने देखा x square minus 4, आपको पता कैसे लगा कि ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है? ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है रशाद। जहाँ भी अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगी वो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन होता है। ठीक है, क्योंकि कंडीशन क्या होती है रूट की, जो भी आपके टर्म है दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, बस दो मिनट का ब्रेक लेते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं फिर। बच्चे काफ़ी स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है। ताहा बहुत ऑलमोस्ट ठीक है आपका आंसर। ठीक है, एक बहुत छोटे से करेक्शन है बट आपकी फर्स्ट क्लास है और आप इतना पिक कर रहे हैं, दैट इज़ गुड। जानवी बच्चे थोड़ा सा करेक्शन है। ठीक है, देखिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। रशाद आपका आंसर में भी करेक्शन है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज रिमेंबर रूट में जो भी वैल्यू है वो जीरो से ग्रेटर होनी चाहिए, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू, क्योंकि न्यूमरेटर है तो ग्रेटर दैन इक्वल टू। अगर डिनोमिनेटर होता तो जीरो के इक्वल नहीं करते हम। इसमें क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे x माइनस फाइव x प्लस फाइव।
ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी डायरेक्टली तो नहीं करते हम, ठीक है रशाद। इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं? ऑन द नंबर लाइन, तो ये माइनस इनफाइनाइट है प्लस इनफाइनाइट है, जीरो से इक्वेट कीजिए कितना आया, ये माइनस फाइव एंड प्लस फाइव, ठीक। अब क्या करना है, टू द राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, अब चेक कीजिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो एक्स कितना आ जाएगा, डोमेन कितना होगा, डोमेन इज इक्वल टू पॉजिटिव पार्ट वाला, तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस फाइव इंक्लूड कर लेंगे, यूनियन फाइव से प्लस इनफाइनाइट, तो फाइव तो इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि जीरो हो सकता है, इनफाइनाइट नहीं होगा। सो मैंने तो यही लिखा था। रशाद आपने क्या, आपने आर माइनस कुछ लिखा था रशाद, आर माइनस स्मॉल आर लिखा था, वो क्या था? सर वो टाइपिंग एरर हो गया था गलती से, सर वो लैपटॉप में कुछ टाइपिंग एरर। अच्छा अच्छा सॉरी, मुझे लगा आप रियल नंबर से माइनस कर रहे हैं, ठीक है फिर ठीक है। ताहा क्लियर वो? ताहा ये ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि फाइव इंक्लूड नहीं हो रहा, ठीक है। अगर हम जैसे ये कहते हैं माइनस इन्फिनिटी टू माइनस फाइव ओपन इंटरवल, तो इसका मतलब है फाइव इंक्लूड नहीं हुआ माइनस फाइव, ठीक है। और ये होता है क्लोज इंटरवल, इसका मतलब ये वैल्यू इंक्लूड हो रही है, ठीक। तो आपको अभी नहीं पता था बट आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बस यही मुझे बताना था आपको। जानवी क्लियर हुआ? आपके बच्चे ये मिस्टेक थी। सो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताइए व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस। नहीं आसिया, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। रशाद बिल्कुल ठीक है, खसपल बिल्कुल ठीक है, रशाद बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, ठीक है। अब इंटरवल्स रशाद आपने नहीं लगाए बट मुझे लग रहा है आपको इंटरवल आते होंगे, और अभी सिर्फ दो बच्चों के आंसर आए, खसपल एंड रशाद। जी खसपल, इसके बाद क्लास ओवर है सर। कसबल जिस पे लिखेंगे चैट बॉक्स पे, थोड़ी सी वॉइस ब्रेक होती है। यश बिल्कुल ठीक है आंसर, सर ये एक बार करा देना। हाँ बच्चे अभी मैं करवाता हूँ। और सब अभी कर लें, और सब प्लीज ट्राई करेंगे मुझे बताएंगे व्हाट इज आंसर। शाकिर ये नहीं है आंसर, ताहा थोड़ा सा चेंज है बच्चे आपका मिस हुआ है। ठीक है बच्चे चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। रशाद क्या आंसर आया था? अच्छा रशाद का ठीक था, ओके। देखिए हमेशा याद रखिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट स्टेप इज रूट है, तो जो भी टर्म है 25 माइनस एक्स स्क्वायर दिस शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, दिस इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकेंड एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो यूनिटी होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए,
तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन में चेंज आ जाएगा. मनस्वेन नहीं, मनस्वेन दिस नॉट द करेक्ट आंसर. दिस फर्स्ट, तो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें चेंज आता है. ठीक है, सो मल्टीप्लाई वन बाय माइनस वन, माइनस वन से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, माइनस 25 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो. तो इसका मतलब ये, सॉरी, तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो. ठीक है, साइन चेंज हो जाता है. आपके लिए न्यू है ये, बट अभी याद रखिए कि अगर हम इनइक्वालिटी में नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है. सो वी गेट दिस साइन. अब ये जो आ जाएगा, दिस इज, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25 लेस देन इक्वल टू जीरो. फैक्टराइज कर देते हैं, एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 लेस देन इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इक्वल टू, अगेन नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, माइनस इनफिनिट प्लस इनफिनिट, ये आ गया आपके पास माइनस 5 एंड प्लस 5, है ना. ये तो नहीं बताना कैसे आएगा, राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव. अब इसके बाद देखिए, आपको चाहिए क्या, लेस देन इक्वल टू जीरो, यानी आपको चाहिए नेगेटिव पार्ट. यहाँ आपके पास है लेस देन इक्वल टू जीरो, सो यू नीड द नेगेटिव पार्ट. तो x क्या आ जाएगा, डोमेन अब क्या होगा, डोमेन इज माइनस 5 टू 5. ठीक है सर. जी रिशद, सर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम साइन भी हम चेंज करें और ऐसे हो जाए, मतलब. जी रिशद सर, बिना साइन चेंज करे कर सकते हैं इसको, बिना साइन चेंज करे हम नहीं कर सकते, आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा फिर. ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेके करेंगे, आंसर इनकरेक्ट होगा. सो किसको अभी समझ में नहीं आया, सर सर बताएंगे कहां कौन से स्टेप में इनकरेक्ट हो रहा है आंसर वो करके. क्या कह रहे हैं रशाद, क्या कह रहे हैं सर, उसमें उस मेथड से एक बार करके दिखा दीजिए, पता लग जाएगा कौन से कहां पे इनकरेक्ट हो रहा है. कौन से मेथड से सर, मतलब वही वाला विदाउट चेंजिंग द साइन. नहीं नहीं, वो मैंने कहा ना, ऐसा कोई मेथड नहीं है, साइन चेंज करना है. हमारी कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशियंट है ये पॉजिटिव होना चाहिए और यूनिटी होना चाहिए. अगर नहीं है हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से. ठीक जी, युवराज बताइए क्या डाउट है. सर मैंने एक ऑब्जर्वेशन करी है कि अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर या 36 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका आंसर माइनस 6.6 या माइनस 5.5 ही आएगा, और अगर वो x स्क्वायर माइनस 25 है तो उसका आंसर माइनस इनफिनिटी कॉमा माइनस 5 यूनियन 5.इनफिनिटी. हाँ युवराज बिल्कुल ठीक है. ठीक है, यही फॉर्मूला है इसका. ठीक है, ऑब्जर्वेशन आपकी बिल्कुल ठीक है, यही है कंडीशन, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप. थैंक यू सर. ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चन. Find the domain of the function fx defined by fx is equal to under root of 4 minus x plus 1 by under root of x square minus 1. ठीक है, थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड अपना और बढ़ाते हैं. टेल मी द आंसर ऑफ दिस.
सर इसमें हम इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे. जी जी जानवी बिल्कुल ठीक है, सेपरेटली करेंगे और उनके जो कॉमन आंसर होगा वो दैट विल बी आवर फाइनल आंसर. ओके नहीं रशाद दिस इज नॉट करेक्ट. व्हाट कस्पल माइनस इनफिनिट कस्पल बिल्कुल ठीक है दिस आंसर. रशाद अनुभव नहीं अनुभव दिस नॉट द करेक्ट आंसर. अभी सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया कस्पल का एंड दिस इज माइनस इनफिनिट से माइनस वन यूनियन वन टू फोर. ठीक है दिस आंसर. शाकिर ठीक है आंसर. सर ऑर्डर उल्टा भी हो सकता है. उल्टा मतलब 1.4 पहले लिख दे 1.4 यूनियन. हाँ लिख सकते युवराज कोई इशू नहीं है. अच्छा और किसी का आंसर? सर इसको एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? ठीक है मैं अभी करता हूँ. सर मतलब इसमें माइनस इनफिनिटी और फोर जो है वो अंडर रूट फोर माइनस एक्स से आ रहा है. अच्छा अच्छा और माइनस वन और वन जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस वन से आ रहा है. ओके कॉमन सॉल्यूशन ट्राई कीजिए. कॉमन सॉल्यूशन एज इन रैशनलाइज करके? नहीं नहीं रैशनलाइज नहीं हमने किया था. चलिए और सबका सॉल्व नहीं हुआ. आई थिंक सबको इस क्वेश्चन में डाउट भी होगा बट इनइक्वालिटी जिसका स्ट्रांग है वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं. तो हम देखते हैं इसमें fx is defined for fx defined कब होगा? is defined for जानवी कॉमन सॉल्यूशन आएगा. ठीक है चलिए देखते हैं. अभी यश आपका आंसर है r माइनस माइनस वन टू फोर यूनियन फोर टू इनफाइनाइट. नहीं 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 प्लीज यहां देखिए fx defined कब होगा जब ये जो रूट है युवराज 4 माइनस एक्स क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन? सर 4 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है ये तो हो गया. अब ये जो है ये भी रूट है और ये डिनोमिनेटर में तो एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या होगा?
सर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओनली ग्रेटर है ना इक्वल टू 0 नहीं होगा इक्वल टू नहीं सर सॉरी ग्रेटर देन ठीक है ओनली ग्रेटर हम इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल फाइंड द कॉमन आंसर तो ये कैसे हो जाएगा इसको शिफ्ट कर देते हैं माइनस x x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4 दिस इज फर्स्ट मल्टीप्लाई 1 बाय माइनस 1 x is less than equal to 4 और ये x minus 1 x plus 1 ठीक है इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे नंबर लाइन बना लेंगे minus 1 और 1 तो सर सारी पॉजिटिव वैल्यूज ले लेंगे तो minus infinity to minus 1 और 1 to infinity ओके सो minus 1 1 दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए देन वी नीड दिस क्या आ जाएगा x belongs to minus infinity to minus one open interval सर हमने my अच्छा belongs to है ना open लेंगे वरना ये denominator zero आ जाएगा उसके yes sir और इसका क्या था x belongs to less than four का मतलब minus infinity से four अब इन दोनों solution को हम club कर देंगे common solution find करेंगे तो कितना आएगा minus infinity से minus one है ये भी minus infinity से four है तो ये तो आ गया ठीक तो लाई करेगा उसके अंदर माइनस इनफिनिट से माइनस वन हो गया yes, तो था उसके बाद यूनियन फिर माइनस वन के बाद ब्रेक आ गया यूनियन वन टू इनफिनिट यूनियन वन ठीक है बट इनफिनिट नहीं जाएगा बस फोर तक जाएगा फोर तक जाएगा सर तो वन कॉमा फोर वन कॉमा फोर दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर तो ये क्या हो जाएगा मैं वही पूछ रहा था इसे क्लब कैसे करना है यहाँ तक तो आ गया था अच्छा 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 सर अगर हम इन तीनों को यूनियन लगा के लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा बिल्कुल गलत होगा जानवी क्योंकि हम x की वो वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे ठीक है अगर आपने यूनियन कर दिया सर मुझे ये वाला समझ नहीं आया ये जो आपने 1,4 लिखा ये कैसे लिखा जी जानवी उसमें कॉमन सॉल्यूशन किया था ना लीनियर इक्वेशन में हम टू नंबर लाइन ड्रॉ करके कॉमन फाइंड कर रहे थे ठीक है ठीक यहाँ देखते हैं नंबर लाइन में ये माइनस इनफाइनाइट है ये प्लस इनफाइनाइट है ये माइनस वन है ये वन है ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है इसको एक कलर कर देते हैं लेट्स ठीक है इसमें हमारा ये सॉल्यूशन है दिस वन एक और नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं माइनस इनफाइनाइट है प्लस इनफाइनाइट है और नेक्स्ट क्या है आपके पास दिस इज फोर और आंसर क्या है आपका माइनस इनफाइनाइट से फोर ओनली दिस वन दिस इज योर आंसर अब हमें फाइंड करना है कॉमन सॉल्यूशन ठीक है और हमने थोड़ा सा ये गलत कर दिया इसको ना कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं प्लस इनफिनिट दिस इज माइनस इनफिनिट अब फोर कहाँ होगा फोर यहां कहीं होगा दिस इज फोर ये हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन माइनस इनफिनिट से फोर अब हमें कॉमन देखना है ठीक है जानवी तो देखिए कॉमन हमारा क्या आ रहा है इसमें देखिए इसमें कॉमन देखिए माइनस इनफिनिट से एक तो यहां तक आ गया माइनस वन तक रशिया थोड़ा सा और अभी ठीक है 10 मिनट्स और तो एक तो माइनस इनफिनिट से माइनस वन आ गया जानवी नेक्स्ट फिर यहां भी एक वन होगा तो एक तो ये कॉमन आ गया उसके बाद देखिए इसमें ये वन से लेके इनफिनिट है ये वन से फोर है तो एक ये कॉमन दिस इज द कॉमन पार्ट क्लियर हुआ किसी बच्चे को डाउट है इसमें नो नहीं ठीक है रेंज स्टार्ट कर देते हैं एक क्वेश्चन रेंज का कर लेते हैं उसके बाद क्लास ओवर ठीक है किसी को डाउट तो नहीं है इसमें बच्चे प्लीज बता दिएगा नेक्स्ट तो माइनस वन से लेके वन तक की वैल्यूज इंक्रीज होंगी ना
जी माइनस में सर माइनस वन से लेके वन तक की वैल्यूज माइनस वन से वन नहीं थी माइनस वन इसमें जो आंसर था वो नहीं होगी नहीं नहीं वो इंक्लूड नहीं होगी यूनियन वन टू फोर बस ये आंसर रहेगा माइनस वन ठीक है यस सर ओके नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इज रेंज ऑफ रियल फंक्शन रेंज ऑफ रियल फंक्शन सो राइट द डेफिनेशन द रेंज ऑफ रियल फंक्शन द रेंज ऑफ रियल फंक्शन of ठीक है रेंज थोड़ा सा डिफिकल्ट है सो व्हाट इज रेंज रेंज इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज टेकन बाय एफ एक्स एट द पॉइंट्स इन इट्स डोमेन जैसे मैंने आपसे कहा था डोमेन क्या होता है डोमेन इज द इनपुट ये फंक्शन है इसमें जो इनपुट है दिस इज द डोमेन और जो आउटपुट है दिस इज द रेंज आउटपुट इज द रेंज तो डोमेन क्या था आप जो एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल एफ एक्स है आपका एक्स आप जो एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं दैट इज द डोमेन रेंज क्या होता है आपने जो वैल्यू पुट कर दी फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर लेता है आपने जो वैल्यू पुट कर दी तो आपका जो आंसर आ रहा है अब दैट इज द रेंज ठीक है तो डोमेन इनपुट हो जाएगा आउटपुट हमारा रेंज हो जाएगा तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो आप वैल्यू पुट कर रहे हैं दैट इज द डोमेन और जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज रेंज तो डेफिनेशन में यही है द रेंज ऑफ रियल फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज टेकन बाय एफ एक्स एट द पॉइंट इन इट्स डोमेन डोमेन के पॉइंट्स एफ एक्स की जो भी वैल्यू आती है वो आपका रेंज हो जाएगा ठीक है डोमेन जब आप पुट कर देंगे आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी योर रेंज तो रेंज फाइंड करने का मेथड क्या है एक क्वेश्चन लेते हैं वहां से देखते हैं find the domain and range find the domain and range of the function fx given by fx is equal to x minus 2 by 3 minus x. So first the domain find करेंगे फिर range find करेंगे. Please note down this and tell me the domain. बताइए domain क्या आ रहा है. बिल्कुल ठीक है अनुभव. हाँ नहीं अनुभव correct नहीं है sorry. Incorrect answer. फिर भूल गए अंडर रूट किया तो उससे पहले भूल गए फिर बिल्कुल ठीक है शाकिर यश ठीक है आंसर ठीक है डोमेन तो सब फाइंड कर लेंगे बिल्कुल ठीक है आसिया डोमेन इज करेक्ट डोमेन ऑफ एफ कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए तो आर माइनस थ्री ठीक है दिस इज द डोमेन
सर हम न्यूमरेटर के लिए फाइंड आउट नहीं करेंगे डोमेन यस सर हाँ जानवी इसमें अंडर रूट तो नहीं है है ना हम बस वो वैल्यू फाइंड करेंगे जिसके लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए न्यूमरेटर में तो कुछ भी हो जाए क्लियर वो यस सर तो हम वो लिखेंगे नहीं कि ऑल वैल्यूज ऑफ आर हमने ये लिख दिया ना डोमेन ऑफ एफ इज आर माइनस थ्री इट्स मीन दिस इज वैलिड फॉर बोथ ठीक है नाउ अब हमें रेंज फाइंड करना है तो रेंज का बच्चे प्लीज मेथड देखिए आप सब थक भी गए होंगे तो बस ये रेंज करके कंप्लीट करते हैं लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इसमें हम क्या करते हैं सबसे पहले एफ एक्स को इक्वेट करते हैं विद वाई ठीक है जो वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू बाय थ्री माइनस एक्स अब हम इस फंक्शन को चेंज कर देंगे इन टर्म्स ऑफ वाई देखिए कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई थ्री वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू सारी टर्म्स को राइट शिफ्ट कीजिए एक्स ही टर्म्स को लेफ्ट शिफ्ट कीजिए माइनस टू माइनस थ्री वाई टेक माइनस एक्स कॉमन तो कितना हो गया वाई प्लस वन इज इक्वल टू यहाँ पे नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं कैंसिल हो जाएगा वो ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से x आ गया आपके पास टू प्लस थ्री वाई बाय वाई प्लस वन ठीक है रेंज थोड़ा सा डिफरेंट होता है रेंज में क्या करते हैं हम एक y लेट करते हैं x को कम्प्लीटली रिड्यूस कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ y उसके बाद हम y की वो वैल्यू फाइंड करते हैं जिसके लिए अब ये जो न्यू फंक्शन है वो रियल होता है हम y की वो वैल्यूज फाइंड करेंगे जिसके लिए फंक्शन रियल हो जाएगा सो हम कह देंगे x assume real values for all y except y plus 1 is equal to 0 that is y is equal to minus 1 aur range ho jayegi range so range hoga aapka wo ho jayega r except minus 1 क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में अगर माइनस वन पुट कर दिया तो ये डिफाइन नहीं होगा इसलिए हम माइनस वन इग्नोर करेंगे बट ये याद रखिए कि वाई की जो भी वैल्यू आती है चलिए ठीक है अभी इतना ही फिर मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगा अभी आप समझेंगे नहीं ठीक है तो करना क्या है वाई फाइंड किया वाई लेट किया एक्स फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ वाई फिर वाई की वो वैल्यू देगी जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ठीक और इसके लिए x की जो वैल्यू आएगी वो अपने डोमेन में होनी चाहिए ये अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताता हूँ फिर ठीक है तो बच्चे बस इतना ही करते हैं एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी अब एनसीईआरटी में आपको कोई डाउट नहीं होगा योर होमवर्क इज एनसीईआरटी प्लस असाइनमेंट आई थिंक डाउनलोड आपने कर लिए होंगे और इस वीक और भी अगर मैं अपलोड करवाता हूँ उसको प्लीज कीजिएगा एंड देन ट्राई द एग्जाम्पल्स ठीक है दिस इज होमवर्क ऑफ दिस वीक प्लीज इसको कंप्लीट कीजिए एनसीईआरटी तो हो जाएगी अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको सो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं इसको बच्चे प्लीज इसको नोट कीजिए होमवर्क निष्कर्ष का नंबर दे दो क्योंकि पिछली बार जो दिया था वो शायद अच्छा अच्छा मैं अभी बच्चे सबको दे रहा हूँ निष्कर्ष सर का नंबर ओके ताहा प्लीज निष्कर्ष सर का मैं नंबर दे रहा हूँ उनसे बात कीजिएगा वो आपको बता देंगे कहां से आपको डाउनलोड करना है असाइनमेंट ठीक है प्लीज उनसे बात कर लीजिएगा वो आपको वीडियोस का लिंक भी दे देंगे वो आपको ये भी बता देंगे असाइनमेंट कैसे आपको डाउनलोड करना है ठीक है बच्चे ठीक है देन ओके थैंक यू नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं बाय सर ओके थैंक यू सर ओके यू वेलकम एक्सक्यूज मी सर थैंक यू सर बाय सर ओके बच्चे एक्सक्यूज मी सर हां जी युवराज सर रेंज में बस x की वैल्यू x को लाना होता है एलएचएस में जी रेंज में x को लाना होता है
फिर चेक करना होता है किस y की वैल्यू के लिए आपका जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट कर रहा है. यस सर. बट इसमें थोड़ी सी कंडीशन आ जाती है कि जो भी वैल्यूज आ रही है फाइनली x की वो डोमेन से थोड़ा सा कंपेयर करनी होती है ना. तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिर बताऊंगा कैसे करते हैं. थैंक यू सर. ठीक ओके वेलकम. ओके ताहा एग्जाम्स कब से हैं आपके? या आई वांट टू टॉक टू यू. ताहा एग्जाम्स कब से हैं आपके? सर मेरे एग्जाम्स अभी बताए नहीं गए. अच्छा अभी बताए नहीं है. स्कूल में कितने चैप्टर्स हो गए? स्कूल में मैथ्स में सीरीज हो गई है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज और सेट्स हो गए. ओके तो हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया आपको लीनियर इनइक्वालिटीज. ठीक है तो मैं निरंकर सर से बात करता हूँ कि आपकी बैकअप कैसे अरेंज होगी, वो फिर आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे. आप उनके डिश में है ना निरंकर सर के? वो सर अभी मेरे पास केमिस्ट्री वाली टीचर का नंबर और किसी का. अच्छा कोई इशू नहीं, मैं उनसे बात करता हूँ, वो आपसे फिर कांटेक्ट कर लेंगे. ठीक है था? ओके सर. ठीक ओके थैंक यू. चलिए बच्चे फिर क्लास ओवर करते हैं, मेरी एक और क्लास है. ठीक है ओके.